राजगीर में आयोजित 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। वित्त मंत्री सह नालंदा जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा गुरुवार को दीप प्रज्वलित कर राजगीर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना था, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने के कारण वे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसके पूर्व विजय कुमार चौधरी ने महोत्सव के अवसर पर लगाए गए ग्राम श्री कृषि मेला सह प्रदर्शनी समेत जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए अलग अलग स्टॉल पर घूम घूम कर जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राजगीर सर्वधर्म संभाव की आदि भूमि है, यहां सभी धर्म का सार परोपकार है। सर्वधर्म की भावना राजगीर में जागृत होती है, यहां से निकलने वाला संदेश देश दुनिया को प्रभावित करती है। उन्हीं चीजों को जीवन में उतारने के लिए राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विजय चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजगीर का समुचित विकास किया गया है। ज्यों ज्यों राजगीर का विकास हो रहा है, त्यों त्यों राजगीर महोत्सव का महत्व बढ़ रहा है। इस मौके पर नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन संस्कृति परंपरा को समृद्ध करने और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पर्यटक दर्शक दीर्घा में बैठे विदेशी मेहमानों ने महोत्सव की गरिमा को बढ़ाया है। उद्घाटन समारोह के बाद महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक ऐश्वर्य निगम और लोक गायिका दीपाली सहाय रहे। उन्होंने महफिल में अपने सुरों से समा बांध दिया। वहीं इस दौरान एक तरफ गायिका का कार्यक्रम चल रहा था तो सामने दूसरी ओर अधिकतर कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। यह कार्यक्रम 2 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य महोत्सव स्थल दीर्घा में 3,000 दर्शक एक साथ बैठकर मनोरंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं राजगीर महोत्सव में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा मुक्तिधाम बनाया गया है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि अनुदान के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। इस बारे में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की उप निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत किसी भी समुदाय के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक स्थिति में किया जाए। इसके लिए 3,000 रुपये की अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसी योजना को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा सभी विभागों द्वारा अपने अपने मुख्य योजनाएं जो संचालित हैं उनका स्टॉल लगाया गया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन आम जन को इसकी जानकारी नहीं रहने के चलते उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और वे बिचौलियों के चंगुल में फंस रहे हैं। इन सब से बचाने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। महोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय ग्राम श्री मेला का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर महिला महोत्सव, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, विभिन्न विभागों के स्टॉल, विभागीय प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि राजगीर महोत्सव के जरिए देश भर में जिले को अलग पहचान मिल रही है। इस तरह के आयोजनों से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। कि पूरे आखिर विकास तभी होता है जब शांति होती है, और विकास खूब हुआ शांति नहीं है तो विकास का स्वाद भी पूरा पूरी नहीं मिल पाता है लोगों, क्योंकि लोग अगर अशांति है, आपस में वैमनस्य है, दुश्मनी है, तो लोग घात प्रतिघात में ही लगे रह जाते हैं। इसलिए आपस में भाईचारा रखिए, बराबर सब लोग करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, सभी धर्म कहता है कि कभी एक दूसरे से घृणा मत करो, आपस में मिलकर रहो। और हमारे सरकार की जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, चल रही है, वो भी यही चाहती है। मुख्यमंत्री भी बराबर कहते हैं कि भाई आपस में झगड़ा मत करना, झगड़ा लगाने बहुत लोग आएगा और कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने समाज को एकजुट रखा तो आपको आगे बढ़ने से, बिहार को अपना पुराना गौरव प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं। और यही तो आप लोगों को देखना है।
मुक्ति धाम की सिर्फ प्रदर्शनी नहीं है, ये बिहार सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री जी का ये योजना में उद्देश्य रखा गया है कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक स्थिति में किया जाए और अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसी योजना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कई और तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, उससे क्या संदेश? सभी विभाग के द्वारा अपने अपनी जो मुख्य योजनाएं संचालित हैं उनका स्टॉल लगाया गया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं लेकिन आम जन को इसकी जानकारी नहीं रहने के चलते उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं और बिचौलियों के बीच में चले जा रहे हैं। इन्हीं सबसे बचाने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग समझ सकें और हर प्रदर्शनी वाले स्टॉल में हर विभाग के व्यक्ति बैठे हैं, आप उनसे जाके जानकारी ले सकते हैं योजना के बारे में। क्या परिचय है? डेप्यूटी डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा। राजगीर महोत्सव तो यह है कि बहुत दिनों से किया जा रहा है, हर साल ऐसे कि बिहार सरकार की व्यवस्था रहती है, हर साल की भांति इस साल भी व्यवस्था में किसी प्रकार का कमी नहीं है। आने जाने की सुविधा, रहने की सुविधा और सारे दुकान की व्यवस्था अच्छी तरह से किया गया है। माहौल बहुत अच्छा दिखने में है, माहौल में किसी प्रकार का कमी नहीं है। जो व्यवस्था किया गया है सरकार द्वारा गायिका लोग को, मैंने जो पहले से किया जाता है उसी प्रकार से इस बार भी किया गया है। जीविका दीदी के द्वारा लगाया गया बैंगन पकौड़ा है, पनीर पकौड़ा है, आलू पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, पालक पकौड़ा है और मिर्चा है, गोभी पकौड़ा है सर। इस तरह लोगों का रिएक्शन क्या मिल रहा है? खा रहे हैं तो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि बहुत जीविका दीदी अच्छा बनाई है, अच्छा क्वालिटी है, जैसे अपना घर में बनाती है उसी सेम टू हम लोग का भी खिला रही है। घर का स्वाद मिल रहा है? मिला जी, अपनी माँ के हाथ के याद कर रहे हैं लोग। क्या मतलब रेट क्या है, ज्यादा है कम है? नहीं, सस्ते में है, 10 रुपये पीस है, सब भैया खुश है। मिला हम पहली बार इस तरह का जीविका दीदी का स्टॉल लगाया जी सर, हम लोग का भी बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमें मौका मिला है कि स्टॉल लगाने का जीविका दीदी के द्वारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शांति किरण है।